प्रिय बंधु, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। आज मैं आपके सामने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महान बौद्ध ग्रंथ बुद्ध एंड धम्म का हिंदी अनुवाद, भगवान बुद्ध और उनका धम्म का 32वां भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके अनुवादक है बद्यंत आनंद कोसलायन, प्रकाशक है सम्यक प्रकाशन। आप यह पुस्तक सम्यक प्रकाशन से, गौतम प्रकाशन, गौतम बुक सेंटर से या मुझसे खरीद सकते हैं, या फिर यह पुस्तक मुफ्त में बौद्ध भिक्खुओं द्वारा भेंट भी की जाती है। अभी हम इससे पिछले वाले खंड के अंदर भाग में हम खंड 4 भाग 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने समाप्त किया कि धम्म और नैतिकता। अब हम आगे बढ़ते हैं। केवल नैतिकता ही पर्याप्त नहीं है, यह पवित्र और विश्वव्यापी होनी चाहिए। कोई भी चीज़ कब पवित्र बनती है, कोई चीज़ क्यों पवित्र बनती है? प्रत्येक मानव समाज में, चाहे वह आदिम अवस्था में है अथवा वह उन्नत अवस्था में है, कुछ चीज़ें या विश्वास ऐसे होते हैं जो पवित्र माने जाते हैं और शेष अन्य अपवित्र माने जाते हैं। जब कोई चीज़ या विश्वास अपवित्रता की अवस्था में प्रवेश कर गया तो इसका अर्थ है कि इसके विरुद्ध आचरण नहीं किया जा सकता, वास्तव में उसे स्पर्श ही नहीं किया जा सकता। ऐसा करना सर्वथा निषिद्ध हो जाता है। इसके विपरीत जो चीज़ या बात अपवित्र है, अर्थात पवित्रता के क्षेत्र से बाहर है, उसके विरुद्ध आचरण किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि आदमी बिना किसी भय अथवा संशय के उसके विपरीत जैसा चाहे कर सकता है। पवित्रता पुण्य है तथा पावन है। इसका उल्लंघन करना धर्म विरुद्ध है। किसी भी चीज़ को पवित्र क्यों बनाया जाता है, अपने प्रश्न को विषय के भीतर रखने के लिए पूछा जा सकता है कि नैतिकता को पवित्र क्यों बनाया गया। नैतिकता को पवित्र बनाने में 3 कारणों ने भूमिका निभाई है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हम नैतिकता करते हैं और नैतिकता को पवित्र बना दिया गया है, सेक्रेट बना दिया गया है। पहला कारण श्रेष्ठ है, उसकी सुरक्षा की सामाजिक आवश्यकता का होना। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि का संबंध उस बात से है जिसे हम अस्तित्व के लिए संघर्ष और योग्यतम का जीवित बने रहना कहते हैं। यह प्रश्न विकासवाद के सिद्धांत से उत्पन्न होता है। सामान्य ज्ञान है कि अस्तित्व हेतु संघर्ष से ही विकास होता है, क्योंकि आरंभिक युग में भोजन सामग्री के साधन सीमित थे। संघर्ष दुखद है। प्रकृति के पंजे और दांत रक्त रंजित रहे हैं। जो संघर्ष दुखद और अतरंजित होता है, उसमें केवल योग्यतम ही जीवित रह पाता है। समाज की आरंभिक अवस्था ऐसी ही रही है। प्राचीन काल के दौरान किसी ने यह प्रश्न अवश्य उठाया होगा, क्या योग्यतम या कहें सबसे अधिक शक्ति संपन्न ही श्रेष्ठतम है? निर्बलतम को यदि संरक्षण देकर बचाया जाए तो क्या वह अंत में समाज के उद्देश्य की वृद्धि में श्रेष्ठ सिद्ध ना होगा? लगता है कि उस समय के समाज ने एक सकारात्मक उत्तर दिया होगा। तब प्रश्न पैदा होता है, कमजोरों की सुरक्षा का रास्ता कौन सा है? योग्यतम या कहें सबसे अधिक शक्तिशाली पर कुछ नियंत्रण लगाया जाना आवश्यक समझा गया। इस स्थिति में नैतिकता का मूल और आवश्यकता छिपी है। इस नैतिकता का पवित्र होना आवश्यक था, क्योंकि आरंभ में इसे योग्यतम या कहें सर्वाधिक शक्तिशाली व्यक्ति पर ही लागू किया गया। इसके बड़े गंभीर परिणाम हो सकते थे। पहला, क्या नैतिकता सामाजिक होकर भी कहीं असामाजिक या कहीं सामाजिक हितों की विरोधी तो नहीं हो जाती? ऐसा नहीं है कि चोरों में कोई नैतिकता ना हो। व्यापारियों में नैतिकता होती है, सहजातियों में नैतिकता होती है और डाकुओं के गिरोह में भी नैतिकता होती है, लेकिन यह नैतिकता पृथकता और अलगाव की भावना लिए होती है। इस नैतिकता में गिरोह के हित की रक्षा ही निहित होती है, इसलिए यह नैतिकता समाज हित विरोधी है। इस प्रकार की नैतिकता की पृथकता और अलगाव अपने में ही सीमित रहने की भावना ही है, जिससे इसी समाज हित विरोधी प्रवृत्ति को क्रियाशील होने का अवसर मिलता है। यही बात उस समय भी लागू होती है जब कोई भी एक दल अपने स्वार्थों की रक्षा करने के लिए नैतिकता को मानता है। समाज की इस दल संस्था का परिणाम व्यापक होता है। यदि समाज का निर्माण इस समाज के
इस प्रकार के समाज विरोधी दल से ही हो तो समाज हमेशा असंगठित होगा और दलगत रहेगा। एक असंगठित और दलगत समाज का सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह कई तरह के अलग अलग मापदंड और स्तरों को स्थापित करता है। समान मापदंड और स्तर के अभाव में समाज परस्पर मिलजुल कर रहने वाला समाज नहीं हो सकता। इस प्रकार अलग अलग मापदंड और स्तर के रहे व्यक्ति के लिए मन का सामंजस्य बनाए रखना असंभव है। अपने विवेक युक्त अथवा संतुलित दावों का ध्यान किए बिना यदि समाज में किसी एक दल की दूसरे दल पर श्रेष्ठता बनी रहती है तो इसका अवश्यम भावी परिणाम परस्पर कलह होगा। कलह को रोकने का एकमात्र उपाय यह है कि सभी के लिए नैतिकता के समान नियम हों जो सभी के लिए पवित्र हो। एक तीसरा कारण भी है जिसमें नैतिकता का पवित्र और सर्वमान्य होना आवश्यक समझा जाता है। यह है व्यक्तिगत प्रगति के लिए अपेक्षित संरक्षण। अस्तित्व के लिए संघर्ष अथवा दलगत शासन के अधीन व्यक्ति का हित सुरक्षित नहीं रहता। दलगत शासन व्यक्ति को चित्त की सामंजस्यता प्राप्त करने से रोकता है। यह तभी संभव हो सकता है जब समाज में समान आदर्श हो और समान मापदंड हो। व्यक्ति के विचार भटक जाते हैं और इसमें ऐसे चित्त की उत्पत्ति होती है जो एकता को विकृत कर देता है। दूसरे दलगत समूह भेदभाव की ओर ले जाता है और इस प्रकार न्याय को नकारा जाता है। दलगत समूह से वर्ग जड़ीभूत हो जाते हैं। मालिक हमेशा मालिक रहते हैं, गुलाम हमेशा गुलाम बने रहते हैं, स्वामी हमेशा स्वामी बने रहते हैं और मजदूर हमेशा मजदूर बने रहते हैं। विशेषाधिकार संपन्न लोग हमेशा विशेषाधिकारों से युक्त ही रहते हैं और गुलाम हमेशा गुलाम ही बने रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि कुछ लोगों के लिए स्वतंत्रता हो सकती है किंतु सभी के लिए नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ लोगों के लिए समानता हो सकती है किंतु अधिकांश लोगों के लिए नहीं। इसका क्या इलाज है? इसका केवल एक ही इलाज है कि भ्रातृत्व या कहें ब्रदरहुड को सर्वमान्य सबके द्वारा माना जाए, भ्रातृत्व और प्रभावशाली बनाया जाए। भाईचारे को सबके सब भाईचारा अपनाएं और उसको प्रभावशाली बनाएं। भ्रातृत्व क्या है या कहें भाईचारा क्या है? यह और कुछ नहीं, बस भाईचारे का ही दूसरा नाम है और यह भाईचारा नैतिकता का दूसरा नाम है। इसलिए भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया कि धम्म ही नैतिकता है और जिस प्रकार धम्म पवित्र है उसी प्रकार नैतिकता भी पवित्र है। अब हम खंड चार का दूसरा भाग शुरू करते हैं। किसी प्रकार शाब्दिक समानता मूलभूत अर्थभेद को छिपाए रखती है। किसी प्रकार शाब्दिक समानता, हो सकता है बहुत शब्द समान हो लेकिन उनका जो मूलभूत अर्थ है वह हो सकता है कि अलग हो, उसको वह छुपा देता है। विभाग एक पुनर्जन्म, प्रारंभिक ये पुनर्जन्म पर है। यह प्रश्न प्रायः पूछा जाता है कि मरने के बाद क्या होता है। बुद्ध के समकालीन आचार्यों के दो अलग अलग तरह के मत थे। एक वर्ग शाश्वतवादी या आत्मवादी कहलाता था, दूसरा उच्छेदवादी कहलाता था। जो शाश्वतवादी था उसका कहना था कि आत्मा का मरण नहीं होता, इसलिए जीवन शाश्वत है, पुनर्जन्म द्वारा इसका नवीनीकरण होता रहता है। उच्छेदवादी के मन का उच्छेदवादियों के मत का सार एक शब्द उच्छेदवाद में व्यक्त किया गया था जिसका अर्थ है मृत्यु, विनाश ही मृत्यु या कहें विनाश ही प्रत्येक वस्तु का अंत है। मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। इन्होंने मृत्यु के लिए ब्रैकेट में एक शब्द रखा है विनाश। भगवान बुद्ध शाश्वतवादी नहीं थे क्योंकि इसका अर्थ था एक पृथक नित्य आत्मा में विश्वास करना जिसके वह विरोधी थे। तो क्या तथागत उच्छेदवादी थे? आत्मा के अस्तित्व में विश्वास न करने के कारण
स्वाभाविक तौर पर बुद्ध के उच्छेदवादी होने की अपेक्षा की जा सकती है, लेकिन अलग दुप्पम सूत्र में भगवान बुद्ध ने शिकायत की है कि उन्हें उच्छेदवादी कहा जाता है, जबकि यथार्थ में वह उच्छेदवादी नहीं है। उन्होंने जो भी कहा वह इस प्रकार है। तो देखिए, ध्यान से एक बार इसको दोबारा सुनिएगा। उच्छेदवादियों के मत का सार एक शब्द उच्छेदवाद में व्यक्त किया गया, जिसका अर्थ है कि मृत्यु ही प्रत्येक की मृत्यु अर्थात विनाश ही प्रत्येक वस्तु का अंत है। मृत्यु के बाद कुछ भी शेष नहीं रहता। तो भगवान बुद्ध ने इसको नकार दिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि मृत्यु के बाद कुछ शेष नहीं रहता, यह वह उच्छेदवादी है। क्या कहते हैं? यद्यपि मैं इस मत को स्थापित करता हूं और इसी की देशना करता हूं, तो भी कुछ श्रमण ब्राह्मण गलत ढंग से गलती से मुझ पर सच्चाई के विपरीत उच्छेदवादी होने का झूठा आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि मैं मानव के विघटन, विनाश और विध्वंस की शिक्षा देता हूँ। यह कहा जाना ऐसा है जो मैं नहीं हूँ और जिसका मैं समर्थन नहीं करता, जिसे गलत ढंग से गलती से मेरे विरुद्ध उन भले लोगों द्वारा आरोपित किया जाता है जो मुझे उच्छेदवादी बताते हैं। यदि यह कथन यथार्थ है और ऐसे लोगों द्वारा शेपक या कहे मनगढ़ंत नहीं है जो बौद्ध धर्म पर चालाकी से ब्राह्मणी सिद्धांत मढ़ देना चाहते थे, तो यह कथन एक गंभीर दुविधा पैदा करता है। यह कैसे हो सकता है कि भगवान बुद्ध आत्मा के अस्तित्व में विश्वास न करें और तब भी कहें कि मैं उच्छेदवादी नहीं हूँ? इससे प्रश्न पैदा होता है कि क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म को मानते थे? पुनर्जन्म किस चीज का? क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते थे? उत्तर हाँ में है। ध्यान से सुनिए, उत्तर हाँ में है। अच्छा, यह होगा कि इस प्रश्न को दो हिस्सों में बांट लिया जाए, किस चीज का जन्म और किस व्यक्ति का जन्म। यह अच्छा रहेगा कि इन दोनों प्रश्नों को एक एक करके लिया जाए। पहले हम इस प्रश्न को ले लें कि पुनर्जन्म किस चीज का। इस प्रश्न की प्रायः अवहेलना ही की जाती है। यह दोनों प्रश्नों को एक बना देने का ही परिणाम है कि पुनर्जन्म के बारे में इतना भ्रम पैदा हो गया है। भगवान बुद्ध के अनुसार अस्तित्व के चार भौतिक पदार्थ हैं, महाभूत हैं, जिनसे शरीर बनता है। इन्हें हम स्कंध भी कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। महाभूत हैं, पंच महाभूत, चार भौतिक पदार्थ हैं जिन्हें चार महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। प्रश्न है, जब शरीर का मरण होता है तो इन चारों महाभूतों का क्या होता है? क्या वे भी शरीर के साथ मर जाते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि वे भी मर जाते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं, वे आकाश में सामूहिक रूप से विद्यमान या कहें तैरते हुए विद्यमान समान भौतिक पदार्थों में मिल जाते हैं। इस विद्यमान राशि में से जब इन चारों महाभूतों का पुनर्मिलन होता है, जो पुनर्जन्म होता है। देखिए, इसको ऐसे भी समझिए कि हम जिन ऊर्जाओं से मिलकर बने हैं, इसमें चार महाभूत कहे गए हैं। हालांकि बौद्ध धर्म के और ग्रंथों से पता लगेगा कि वह मस्तिष्क को भी एक भूत की तरह एक मानते थे बहुत। तो ऊर्जा कहीं ना कहीं क्षीण होने की बात, और ऊर्जा विनाश के बाद ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा। मैं इसे कई बार लोगों को समझाता हूँ इस बात को। जैसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू हीट एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में बदल जाती है। हम देखते हैं कि बहुत सी हम टेलीफोन यूज़ करते हैं, वेव्स होती है, हमें नज़र नहीं आती। रेडियो वेव्स होती है, कई एक ही तरह की वेव्स होती है, उनको अलग अलग उपकरणों में डाल दिया जाए तो अलग अलग कार्य करती है, परंतु वेव्स तो सेम रहती है। ऐसे ही शायद जो हमारे पदार्थ हैं, पदार्थ तो सेम रहते हैं और ऊर्जा भी सेम रहती है, लेकिन इसको आत्मा के सिद्धांत से ना तोला जाए। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आत्मा का सिद्धांत देने वाले कहते हैं कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा को ना कोई मार सकता है
ना जला सकता है, ना काट सकता है, ना उसे डुबो सकता है। अगर ऐसा है तो नरक की जब वह कल्पना करते हैं या स्वर्ग की कल्पना करते हैं, तो नरक में आत्मा को कैसे दुख मिल सकता है? अर्थात आत्मा तो नहीं गई, अगर उनका नरक मान लिया जाए तो कहीं ना कहीं अलग फॉर्म में या सेम फॉर्म में आप जाएंगे, उसी रूप में जाएंगे या कुछ किसी अलग रूप में जाएंगे। इस पर इंग्लिश में मैंने बुक बनाई है, वो आप सुनिएगा जरूर। 31 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब वीडियो बनाया है, एक बहुत भिक्खु द्वारा कही गई वह बुक है, जिसमें उन्होंने 31 अलग अलग प्लेन्स के बारे में, अलग अलग आयामों के बारे में, 31 आयामों के जीवन के 31 आयामों के बारे में बताया है। तो इसको आगे पढ़ते हैं। भगवान बुद्ध का पुनर्जन्म से यही अभिप्राय था। इन भौतिक पदार्थों के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वे उसी शरीर के हों जिसका मरण हो चुका है। वे नाना मृत शरीरों के भौतिक अंश हो सकते हैं। यही बात ध्यान देने योग्य है कि शरीर का मरण हो जाता है, लेकिन भौतिक पदार्थ बने रहते हैं। भगवान बुद्ध इसी प्रकार के पुनर्जन्म को मानते थे। सारिपुत्र ने माँ कोठित के साथ जो वार्ता की, उससे इस विषय पर बहुत प्रकाश पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि एक समय जब भगवान बुद्ध सावत्थी में अनाथ पिंडिक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे, तो माँ कोथिक ध्यान कर चुकने के पश्चात सारिपुत्र के पास गए और उनसे कुछ ऐसे प्रश्नों को स्पष्ट कर देने की प्रार्थना की जो उन्हें परेशान कर रहे थे। उन प्रश्नों में से एक यह था, प्रथम ध्यान की प्राप्ति होने पर कितने संयोजन का प्रहण या कहें ध्यान होता है और कितनों को यह बनाए रखता है। सारिपुत्र ने उत्तर दिया, प्रत्येक के पांच पांच, काम छंद, व्यापाद, थीन मिद या कहें आलस्य, उद्धच, प्रोक्य, यहाँ इसका अर्थ नहीं लिखा है, मुझे नहीं पता, पर आप दीघ निकाय पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, तथा विचिकित्सा का प्रहण हो जाता है। वितर्क, विचार, प्रीति, सुख तथा एकाग्रता शेष रहते हैं। महाकोठित ने पूछा, रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श। देखिए, इनको समझने के लिए आपको त्रिपिटक का अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आप चाहें त्रिपिटक मुझसे मंगवा सकते हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये के बीच में आपको त्रिपिटक का संग्रह, 5 हज़ार रुपये आप मान के चलिए, 5 हज़ार में आपको एक त्रिपिटक का संग्रह तो अपने घर के अंदर अवश्य रखिए, और कोशिश करिए उसे हिंदी, पाली अथवा संस्कृत में ही पढ़े। इंग्लिश में पढ़ सकते हैं पर अवॉइड करें, अगर आप हिंदी, पाली, संस्कृत जानते, तो हिंदी और पाली जानते तो बहुत ही अच्छी बात है। पाली, और मैं कहूँगा आप चाइनीज, कोरियन, तिब्बती, बर्मीस, जैपनीस, इन सब भाषाओं का, कंबोडियन, जितनी भी साउथ ईस्ट एशिया की भाषाएं हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सीखें। महाकोठित ने पूछा, रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श, इन पांचों वेदनाओं को ले। प्रत्येक का विषय पृथक है, क्षेत्र पृथक है, प्रत्येक की क्रिया एक दूसरे इंद्रिय से पृथक पृथक है और स्पष्ट रूप से परस्पर पृथक है। इसका अंततः आधार क्या है? कौन है जो पांचों इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का उपभोग करता है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, मन। महाकोठित, ये पांचों इंद्रियां किस पर निर्भर करती हैं? सारिपुत्र, चेतना, जीवित इंद्रिय पर। महाकोठित, चेतना किस पर निर्भर करती है? सारिपुत्र, उष्णता पर। उष्णता, उष्णता पर। महाकोठित, उष्णता, उष्णता अर्थात हीट, हीट, हीट किस पर, उष्णता किस पर निर्भर करती है? चेतना पर। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको मैं कह रहा हूँ, अगर आप अगर त्रिपिटक का अध्ययन करेंगे, त्रिपिटक के अध्ययन में आपको विज्ञान का दर्शन होगा, इतना सूक्ष्म विज्ञान का आपको दर्शन होगा। मैं कहता हूँ त्रिपिटक, अगर आप वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो आप त्रिपिटक का अध्ययन करिए, और त्रिपिटक के अध्ययन पर आप नई थ्योरीज डेवलप करिए। आप बहुत मानव विज्ञान, मानव शरीर के विज्ञान की काफ़ी गहराइयों में आप जा सकते हैं। इसको मैं एक बार शुरू से पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। महाकोठित ने पूछा, रूप, शब्द, गंध, रस और स्पर्श, इन पांचों वेदनाओं को ले। प्रत्येक
प्रत्येक का विषय पृथक, क्षेत्र पृथक, प्रत्येक की क्रियाएं एक दूसरी इंद्रिय से पृथक पृथक हैं और स्पष्ट रूप से परस्पर पृथक हैं। इनका अंततः आधार क्या है? वह कह रहे हैं कि इंद्रियों का, सेंस ऑर्गन्स का आधार कहाँ से, उनका रूट क्या है, कौन है जो पांचों इंद्रियों के विषयों और क्षेत्रों का उपभोग करता है। वो कह रहे हैं उपभोग करता है, इनका आधार क्या, और क्या इन इंद्रियों को, इंद्रियों को कौन कर रहा है उपभोग? उत्तर दिया मन, कि मन इंद्रियों को उपभोग कर रहा है। ये पांचों इंद्रियां किस पर निर्भर करती हैं, किस पर करती हैं? चेतना पर। यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है जीवित इंद्रिय, लेकिन हम कहेंगे चेतना पर। चेतना को उन्होंने कहा ये पांचों चेतना पर करती हैं। चेतना किस पर निर्भर करती है? उष्णता पर। चेतना कहाँ से आती है? हीट से आती है चेतना, उष्णता से। जब मरता है आदमी तो क्या खत्म हो जाता है उसमें? हीट, उष्णता खत्म हो जाती है, जिस्म ठंडा हो जाता है। हीट एक बहुत बड़ी चीज है, इसको समझिए। उष्णता किस पर निर्भर करती है? चेतना पर। चेतना उष्णता पर निर्भर, उष्णता पर निर्भर करती है, उष्णता चेतना पर। ये कह रहे हैं आप, कहते हैं कि चेतना उष्णता पर निर्भर करती है और उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। इसका संक्षेप में अर्थ समझाइए। सारिपुत्र ने उत्तर दिया, एक उदाहरण द्वारा समझाता हूँ। जैसे प्रदीप के प्रकाश से प्रदीप की लौ प्रकट होती है और प्रदीप की लौ से प्रदीप का प्रकाश प्रकट होता है, उसी प्रकार चेतना उष्णा उष्णता पर निर्भर करती है, उष्णता चेतना पर निर्भर करती है। महाकोटित ने पूछा, ऐसी कितनी चीजें हैं जिनसे मुक्त होने पर शरीर मरा हुआ समझकर सूखे काठ की तरह फेंक दिया जाता है? सारिपुत्र ने उत्तर दिया, जीवित इंद्रिय, उष्णता और विज्ञान। चेतना, उष्णता और विज्ञान। इस विज्ञान का अर्थ अलग है, मैं भी भूल गया, पिछले उसमें मैंने बताया आपको। महाकोटित ने पूछा, मृत देह में और उस ध्यानी भिक्खु में जिसने संज्ञा और वेदना का निरोध कर रखा है, क्या अंतर है? सारिपुत्र ने समझाया, मृत देह में ना केवल शरीर, वाणी और मन की क्रिया शांत हो जाती है, बल्कि चेतना भी नहीं रहती, उष्णता भी नहीं रहती, तथा इंद्रियों का भी मूलोच्छेद हो जाता है। जबकि ध्यानी भिक्खु की चेतना बनी रहती है, उष्णता बनी रहती है, तथा इंद्रियों की चेतना भी बनी रहती है, यद्यपि श्वास प्रश्वास बंद हो जाता है। इंद्रियों की वितर्क, विचार, संज्ञा, क्रियाएं शांत हो जाती हैं, बंधनी का होने का शांत हो जाती है। संभवतः यह मृत्यु या उच्छेद की सर्वाधिक श्रेष्ठ तथा सर्वाधिक संपूर्ण व्याख्या है। इस संवाद में केवल एक कड़ी की कमी है। महाकोटित को सारिपुत्र से यह प्रश्न करना चाहिए था कि उष्णता से क्या अभिप्राय है। सारिपुत्र ने क्या उत्तर दिया होता, इसकी कल्पना कर पाना आसान नहीं है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उष्णता का अभिप्राय ऊर्जा अथवा शक्ति से है। इस तरह से यदि उत्तर को थोड़ा अधिक स्पष्ट कर दिया जाए तो इस प्रश्न का कि शरीर के समाप्त होने पर क्या होता है, यही उत्तर है कि शरीर की शक्ति उत्पन्न करना बंद कर देता है, कि शरीर शक्ति उत्पन्न करना बंद कर देता है। लेकिन यह तो उत्तर का केवल एक भाग ही है, क्योंकि मृत्यु का एक अर्थ यह भी है कि शरीर में से जो शक्ति निकल कर गई है वह उस सारे शरीर शक्ति समूह के साथ मिलकर एक हो गई जो विश्व में संचार कर रहा है। इसलिए मृत्यु के दो पक्ष हैं। प्रथम पक्ष में इसका अर्थ है नई शक्ति की उत्पत्ति का रुक जाना। दूसरे पक्ष में इसका अर्थ है विश्व में संचार कर रहे शक्ति पुंज में नई अतिरिक्त वृद्धि का हो जाना। संभवतः मृत्यु के इन दोनों पहलुओं से ही के ही कारण संभवतः मृत्यु के इन दोनों पहलुओं के ही कारण भगवान बुद्ध ने कहा कि वह पूर्णतः उच्छेदवादी नहीं थे। जहाँ तक आत्मा की बात है वह उच्छेदवादी थे, किंतु जहाँ नाम रूप की बात है वह उच्छेदवादी नहीं थे। नाम रूप के कॉन्सेप्ट के लिए आप हिंदी और इंग्लिश की पुस्तकें पढ़िए और त्रिपिटक को जरूर पढ़िए। इस प्रकार की व्याख्या से यह समझना सरल है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि वह उच्छेदवादी नहीं है। वह नाम रूप की पुनरुत्पत्ति में विश्वास रखते थे। नाम और रूप, रूप माने फॉर्म, फॉर्म दोबारा बन जाती है, आकार जिसे कहते हैं, नाम आत्मा के पुनर्जन्म में नहीं।
इस प्रकार व्याख्या होने पर भगवान बुद्ध का मत वर्तमान विज्ञान के सर्वथा अनुरूप है। केवल इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि भगवान बुद्ध पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। शक्ति कभी शून्य में परिणत नहीं होती, विज्ञान इसकी पुष्टि करता है। इस अर्थ में कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता, यह बात विज्ञान के विपरीत होगी, क्योंकि इसका अर्थ होगा कि शक्ति मात्र में अपरिवर्तनीय स्थिर अपरिवर्तनीय नहीं है। शक्ति मात्रा में अपरिवर्तनीय नहीं है। केवल यही ऐसा तरीका है जिससे पुनर्जन्म संबंधी दुविधा का हल हो सकता है। पुनर्जन्म किस व्यक्ति का? सबसे कठिन प्रश्न है, पुनर्जन्म किस व्यक्ति का? क्या वही मरा हुआ आदमी एक नया जन्म ग्रहण करता है? क्या भगवान बुद्ध इस सिद्धांत को मानते थे? उत्तर है, इसकी बहुत कम संभावना है। यदि मृत आदमी की देह के सभी भौतिक अंश पुनः नए सिरे से मिलकर एक नए शरीर का निर्माण कर सके, तभी उस आदमी के पुनर्जन्म की संभावना हो सकती है। यदि भिन्न भिन्न मृत शरीरों के अंशों के मेल से एक नया शरीर बनता है, तो यह पुनर्जन्म है, लेकिन यह उसी आदमी का पुनर्जन्म नहीं हुआ। भिक्खुनी खेमा द्वारा राजा पसेंदी को यह विषय समझाया गया है। एक बार तथागत सावत्थी के पास अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। अब उस समय कौशल जनपद में चारिका कर चुकने के पश्चात भिक्खुनी खेमा सावत्थी और साकेत के बीच तोर्ण वत्थु नामक स्थल पर ठहर गई। उस समय कौशलराज पसंदी साकेत से सावत्थी की ओर जा रहे थे। साकेत और सावत्थी के बीच रास्ते में वह एक रात के लिए तोर्णवत्थु में रुके। कौशलराज पसंदी ने एक आदमी को बुलाकर कहा, अरे भले आदमी, किसी श्रमण अथवा ब्राह्मण का पता लगा जिससे हम आज के दिन वार्ता कर सके? उस आदमी ने उत्तर दिया, महाराज बहुत अच्छा, वह सारी तोर्णवत्थु में घूमा, किंतु उसे एक भी श्रमण ब्राह्मण ऐसा नहीं मिला जिससे महाराजा वार्ता कर सके। तब उस आदमी ने भिक्खुनी खेमा को देखा जो तोर्णवत्थु में ठहरी हुई थी। उसे देखकर वह कौशलराज पसंदी के पास वापस गया और बोला, महाराज तोर्णवत्थु में कोई ऐसा श्रमण ब्राह्मण नहीं है जिससे आप वार्ता कर सके, किंतु महाराज खेमा नाम की भिक्खुनी तथागत की एक शिष्या यहाँ है। उसकी ख्याति सुनी है कि वह अर्हत है, योग्य है, सुसंस्कृत है और बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, बातचीत में निपुण है और हाजिर जवाब है। महाराज आज के दिन आप उसकी ही संगति करें। तब कौशलराज पसंदी भिक्खुनी खेमा के पास गया, पास जाकर अभिवादन किया और एक और बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए उसने भिक्खुनी खेमा से प्रश्न किया, इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या तथागत मरणांतर रहते हैं? महाराज, यह बात तथागत द्वारा अव्याख्यित व्याख्या रहित रखी गई है। तो यह कैसी बात है कि जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं, तो आपका उत्तर होता है कि यह बात तथागत ने व्याख्या रहित रखी गई है, जिसे अव्याख्यायित रखी गई है। और जब मैं दूसरे प्रश्न पूछता हूँ, तब भी आपका वही उत्तर होता है कि यह बात भी तथागत ने अव्याख्यायित रखी है। कृपया यह बताएं कि क्या होता है, क्या हेतु है, क्या कारण है जो तथागत ने यह बात अव्याख्यायित रखी है। महाराज, अब मैं आपसे इस संबंध में एक प्रश्न पूछती हूँ, जैसा आप ठीक समझे वैसा उत्तर दे। अब आप क्या कहते हैं, क्या आपके पास कोई गणना करने का यंत्र है, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है जो गंगा में बालों की गणना करके बता सके कि इसमें कितने सौ, कितने हजार या कितने लाख बालों के कण हैं? वास्तव में नहीं। तो क्या आपके पास कोई ऐसा गणक है जो ऐसा हिसाब लगाकर बता सकने वाला हो, जो विशाल समुद्र के जल को मापकर यह बता सके कि समुद्र में इतने कितने गैलन जल है, कितने सौ गैलन जल है, इतने हजार गैलन जल है, इतने लाख गैलन जल है? वास्तव में नहीं। ऐसा कैसे है? समुद्र विशाल है, बहुत गहरा है, इसके तल की सीमा नहीं है, इसकी कोई था नहीं है। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत के रूप
से तथागत को मापना चाहे, परिभाषित करना चाहे, तो तथागत का वह रूप परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है, वह अभाव पर प्राप्त हो गया है और स्वभावतः ऐसा हो गया कि भविष्य में अब उसकी पुनरुत्पत्ति नहीं होगी। महाराज, तथागत के रूप से तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। तथागत गहन गंभीर है, तथागत असीम है और समुद्र की तरह ही उनकी तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं, यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर नहीं रहते, यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत रहते भी हैं और नहीं भी रहते, यह भी नहीं कहा जा सकता कि मरणांतर तथागत ना ही रहते हैं और ना ही नहीं रहते हैं। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत को वेदना से मापना चाहे तो तथागत की वह वेदना परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुकी है, वह कटे ताड़ के वृक्ष की तरह हो गई है। महाराज, तथागत की वेदना गहन है, असीम है, गणना से परे है, समुद्र की ही तरह तथागत की तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं नहीं रहते हैं। इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की संज्ञा से तथा इसी प्रकार महाराज, यदि कोई तथागत की संज्ञा से, तथागत के संस्कारों से, तथागत के विज्ञान से तथागत को मापना चाहे तो तथागत का वह विज्ञान परित्यक्त है, वह जड़मूल से कट चुका है, वह कटे ताड़ वृक्ष की तरह हो गया है और समुद्र की तरह उनकी तह तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसलिए यह भी नहीं कहा जा सकता कि तथागत मरणांतर रहते हैं नहीं रहते हैं। जब राजा पसेंदी भिक्खुनी खेमा के शब्दों से प्रसन्न हुए, आनंदित हुए, वह अपने स्थान से उठे, उनका अभिवादन किया और चले गए। तब एक और अवसर पर राजा पसेंदी तथागत के दर्शनार्थ गए, पास पहुंचकर अभिवादन किया और एक और बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए उन्होंने तथागत से निवेदन किया, भगवान कृपया बताएं कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं। महाराज, मैंने इस बात को अव्यक्त रखा है। भगवान, तो क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते हैं? महाराज, यह भी मैंने अव्यक्त रखा है, अव्यक्त अर्थात इसे व्यक्त नहीं किया है। तब महाराज ने ऐसे ही दूसरे प्रश्न पूछे और सभी का ऐसा ही उत्तर मिला, भगवान यह कैसे है? जब मैं पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणांतर रहते हैं तो आपका उत्तर होता है कि यह बात तथागत द्वारा अव्याकृत है, और जब मैं यह पूछता हूँ कि क्या तथागत मरणांतर नहीं रहते तो भी आपका उत्तर है कि यह बात तथागत द्वारा अव्याकृत है। भगवान कृपया यह बताएं कि क्या हेतु है, क्या कारण है कि यह बात भी तथागत ने अव्याकृत रखी है। तो महाराज, मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ, जैसा आप ठीक समझे वैसा उत्तर देना। क्या आपके पास कोई गणक है, कोई गणना करने का यंत्र है, कोई हिसाब लगाकर बता सकने वाला है जो गंगा में बालों की गणना करके बता सके कि इसमें इतने सौ, इतने हजार व इतने लाख बालू के कण हैं? अद्भुत है गौतम, हे सुगत, यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्ता और श्राविका के उत्तर में न अर्थ की दृष्टि से और न व्यंजन की दृष्टि से कहीं कुछ भी अंतर नहीं है, एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है, श्रेष्ठता में एक भी शब्द असंगत नहीं है। भगवान, एक समय में भिक्खुनी खेमा के पास गया और उससे यही प्रश्न पूछा, उसने मुझे ठीक इन्हीं शब्दों में, ठीक इन्हीं अक्षरों में उत्तर दिया। अद्भुत है गौतम, अद्भुत है सुगत, यह कितने बड़े आश्चर्य की बात है कि शास्त्र और श्राविका के उत्तर में कहीं कुछ भी अंतर नहीं, न अर्थ की दृष्टि से और न व्यंजन की दृष्टि से, एकदम समान उत्तर है, एकदम मेल खाता हुआ उत्तर है, श्रेष्ठता में एक भी शब्द असंगत नहीं है। अच्छा भगवान, अब आज्ञा दे, हम व्यस्त लोग हैं, हमें बहुत कार्य है। महाराज, आप जिसका भी समय समझे वही करें।
तब कौशल राज पसंदी तथागत के वचनों से प्रसन्न हुआ और उसने उन वचनों का स्वागत किया। वह अपने स्थान से उठा और तथागत को अभिवादन करके चला गया। विभाग दो, कर्म। क्या बौद्धों का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणिक कर्म के सिद्धांत के समान ही है? बुद्ध के धर्म का कोई भी दूसरा ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसने इतनी भ्रांति पैदा की हो जितनी इस कर्म के सिद्धांत ने। बुद्ध के धर्म में इस कर्म का क्या स्थान है, इसका वास्तविक महत्व क्या है, यह पहले ही बताया जा चुका है। अनभिज्ञ हिंदू नासमझी के कारण केवल शब्दों की समानता की तुलना करके कहते हैं कि बौद्ध धर्म वही है जो ब्राह्मणवाद अथवा हिंदू धर्म है। ब्राह्मणों का शिक्षित और रूढ़िवादी वर्ग भी यही कहता है। वे अनभिज्ञ जनता को जानबूझकर पथ भ्रष्ट करते हैं। शिक्षित ब्राह्मण भली प्रकार जानते हैं कि बुद्ध का कर्म का सिद्धांत ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत से सर्वथा भिन्न है, फिर भी वे यही कहे जाते हैं कि बौद्ध धर्म वही है जो ब्राह्मणवाद या हिंदू धर्म है। शब्दावली की समानता के कारण उनको अपना झूठ तथा दूषित प्रचार करने में आसानी हो जाती है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि स्थिति की गहन जांच की जाए। भगवान बुद्ध का कर्म का सिद्धांत शाब्दिक समानता में कितना अधिक क्यों ना हो, किंतु अपने अर्थ में वह ब्राह्मणी कर्म के सिद्धांत के समान नहीं हो सकता। दोनों की मूल स्थापनाएं परस्पर इतनी अधिक भिन्न हैं कि परिणाम एक हो ही नहीं सकता। दोनों के दो भिन्न परिणाम होने ही चाहिए। सुविधा के लिए हिंदू कर्म सिद्धांत के मूल तत्वों को क्रमशः इस प्रकार गिना जा सकता है। हिंदू कर्म सिद्धांत आत्मा की मान्यता पर निर्भर करता है, किंतु बौद्ध सिद्धांत नहीं करता। यथार्थ में बौद्ध धर्म में आत्मा है ही नहीं। ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत वंशानुगत है, यह जन्म जन्मांतर चलता रहता है। इसका कारण यह है कि यह आत्मा के संरक्षण को मानता है। बौद्ध धर्म के कर्म सिद्धांत के बारे में यह बात सत्य नहीं है। यह इसलिए भी है क्योंकि बौद्ध धर्म में आत्मा नहीं है। हिंदू कर्म सिद्धांत आत्मा के अस्तित्व पर आधारित है जो शरीर के पृथक मानी जाती है। जब शरीर मरता है तो आत्मा उसके साथ नहीं मरती, आत्मा फिर से उड़ जाती है। बौद्ध धर्म के कर्म सिद्धांत के बारे में यह बात सत्य नहीं है। हिंदू धर्म के कर्म के अनुसार जब आदमी कोई कर्म करता है तो उसके कर्म के दो परिणाम होते हैं। एक तो कर्म करने वाला प्रभावित होता है, दूसरे उस कर्म का उसकी आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। वह जो भी कर्म करता है उसका आत्मा पर प्रभाव पड़ता है। जब आदमी मरता है और आत्मा उसका शरीर छोड़कर निकल भागती है तो आत्मा उन संस्कारों से संस्कृत रहती है। ये संस्कार ही हैं जो उसके भावी जन्म और स्थिति को निर्धारित करते हैं। हिंदू आत्मवाद बौद्ध अनात्मवाद में कुछ भी मेल नहीं है। इन कारणों से बौद्ध धर्म का कर्म सिद्धांत और हिंदू धर्म का कर्म सिद्धांत न एक सा है और न ही एक सा हो सकता है। इसलिए बौद्ध धर्म के कर्म सिद्धांत और ब्राह्मणिक कर्म सिद्धांत को एक ही बताना एकदम मूर्खता है। अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि इस धोखेबाजी से सावधान रहो। प्रिय बंधुओं, इसके आगे हम अगले भाग में पढ़ेंगे, भाग 33 के अंदर। जय भीम, नमो बुद्धाय। भारत के संविधान निर्माता दलित आदिवासी एवं पिछड़े समाज के संरक्षणकर्ता भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखी गई पुस्तकें, उनके द्वारा लिखे गए भाषण एवं लेख खरीदने के लिए संपर्क करें निखिल सबलानिया, नई दिल्ली। फ़ोन 8527533051 एवं 9013306236। इसके लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल है sablanian@gmail.com। पुस्तकें आप दिल्ली में आकर या कहीं भी डाक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बुक्स।